आदर साथ नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। होली हमारे सामने है, 21 तारीख को होली का पर्व है, उसके एक दिन पहले अगजा है। ये भारत के, खास करके उत्तरी भारत का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, तो मैं आप सभी लोगों को होली की अग्रिम बधाई देता हूँ और आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, खास करके नौजवानों से। होली उत्सव है, ईद हो, मुहर्रम हो, होली हो, रामनवमी हो, ये सब उत्सव हैं। इसमें हर जगह खुशी का माहौल होना चाहिए, हर जगह आनंद का माहौल होना चाहिए, लेकिन होली के अवसर पर बहुत लोग अपनी दुश्मनी निकालने का भी काम करते हैं। होली के अवसर पर बहुत लोग निजी कारणों से, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपसी वैमनस्य भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे समुदाय के किसी भी आदमी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर रंग डालेंगे, अगर उसको भविष्य का उसी समय अंत हो गया, बात बहुत छोटी है, लेकिन आपके जीवन में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बिहार के नौजवानों में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है। 100 में से 90% जो नौजवान हैं अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी तमाम उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है तमाम नौजवानों की, बिहार के मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए और बिहार के गौरव के लिए, ऐसा बिहार में एक माहौल बनाए कि कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न ना हो, कहीं कोई जातीय तनाव उत्पन्न ना हो, कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के बाद कोई भी आदमी विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, कानून को अपने हाथ में ना ले, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दे और कभी किसी परिस्थिति में रोड पर किसी तरह का उपद्रव ना हो। इसमें बहुत खतरा है, पुलिस बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है, पीछे जो हुआ वो भूल जाइए, लेकिन अब बहुत योजनाबद्ध से काम कर रही है। जितने लोग इस तरह के उपद्रव में जिनका नाम आ रहा है, उनके लिए मैं केवल अफसोस कर सकता हूं, उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। और बिहार की जनता से मैं कहूंगा, जितने प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, मजदूर, किसान, छात्र, वकील, इंजीनियर, हर तबके के जितने लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर दल संप्रदाय के लोग हैं, तमाम आवाम से ये मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा, बिहार में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि अपराधी डरें, अपराध की संस्कृति समाप्त हो, अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसका सामाजिक बहिष्कार करें, उसको कभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दें, और आपके सहयोग से ही सफलता मिलेगी। अभी कल वैशाली के महनार में 3 कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ये अपराधी AK-47 रखे हुए थे, मुझे बताया गया पुलिस को देखते इन्होंने पूरा AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। हमारे लड़कों ने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया, 3 मुठभेड़ में मारे गए, 2 AK-47 के ओरिजिनल पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुआ, भारी संख्या में उनके पास कैश भी बरामद हुआ। देश भर में ये सोना लूटने वालों का गिरोह, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो भी हैं उनके विरुद्ध हमें आप सूचना दें, सहयोग करें, और कभी भी किसी परिस्थिति में जात, दल, संप्रदाय, मजहब के आधार पर किसी अपराधी का समर्थन न करें, सहयोग न करें। होली आपकी मंगलमय हो, होली शांति से हो, ऐसा माहौल बने कि पूरी दुनिया देखे ये बिहार की होली है। एक गोली ना चले, एक जगह कहीं विवाद न हो, एक जगह कोई उपद्रव न हो, हम लोग भी शांति से, आप लोग भी शांति से, इसमें हमारा आप सहयोग करिए। पुलिस वालों से कहूँगा, सब SP लोग ध्यान से सुन ले, सिपाही लोग ध्यान से सुन ले, हमारे सारे पदाधिकारी ध्यान से सुन ले। ये हमेशा होता है कि होली में बहुत सारे पुलिसकर्मी भाग जाते हैं, 2-2 घंटे पर हाजिरी होगी, SP लोग अपने सभी प्रतिष्ठान में 2-2 घंटे पर हाजिरी लें, और होली के दिन सिपाही से लेकर SP तक, DIG तक, IG तक, एक भी आदमी कहीं नहीं जाएगा, एक आदमी सादा में नहीं दिखना चाहिए। सादा वर्दी में अगर कोई दिख गया, सादा कपड़ा में कोई भी, चाहे वो कोई स्तर का पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होगी। सिपाही से लेकर IG तक सबको वर्दी में दिखना है, होली के दिन पूरा वर्दी में, 24 घंटे वर्दी में, 24 घंटे ड्यूटी पर, और 2-2 घंटे में हाजिरी होगी। नाम आ गया तो आपका नाम गुंडा रजिस्टर में चढ़ जाएगा, दागी रजिस्टर में चढ़ जाएगा। एक थाना के पास एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं
सीडी पार्ट टू, उसमें आपका नाम चढ़ जाएगा। सीडी पार्ट वन में थानेदार कोई आपका नाम चढ़ा देगा कि गुंडा एलिमेंट है। तो पुलिस के किसी रिकॉर्ड में अगर आपका नाम आ गया, पहले बड़ा आसान था, एक थाना में आपका नाम है और मान लीजिए आपने जगह बदल दिया और दूसरे थाने में चले गए कहीं वहाँ रहने लगे 10 साल के बाद, तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। अब ये नहीं हो सकता, अब कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रिकॉर्ड में पुलिस के आपका नाम आ गया तो डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण ये पूरे जगह आपका नाम फ्लैश करेगा, गुंडा रजिस्टर में भी आपका नाम फ्लैश करेगा, उपद्रवी तत्वों की सूची में आपका नाम फ्लैश करेगा, सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने वालों की सूची में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो आपको कभी भी कोई सरकारी सेवा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सरकारी सेवा में नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। छेड़खानी के केस में भी, मारपीट के केस में भी, अगर आपको कन्विक्शन हो गया, नीचे के कोर्ट से भी आपको सजा हो गई, तो जीवन में कभी आप मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, तो आपका राजनीतिक करियर भी नहीं रहेगा और सरकारी सेवा में जाने का भी करियर नहीं रहेगा। ये सारे अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर बात है। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ की गंभीरता को समझें। अभी रामनवमी के दौरान, बहुत पिछले दौरान बहुत सारी घटनाएं छिटपुट हो गई थी कहीं कहीं। अब जिन बच्चों का नाम उसमें आ गया, तो उस हो सकता है उसमें कुछ निर्दोष भी हो, लेकिन एक बार नाम आ गया उनका जीवन उनका करियर तो खत्म हो गया। मान लीजिए आपको राजनीति भी नहीं करनी, नौकरी भी नहीं करनी, व्यवसाय तो करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ तो करेंगे, आप जीवन में आपके नाम से कोई आर्म्स लाइसेंस नहीं बन सकता, आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकती, आप किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जीवन भर के लिए दागी हो जाएंगे, दागी पंजी में आपका नाम अंकित हो जाएगा। और जब जब पर्व त्यौहार आएगा, चुनाव आएगा, कोई विधि व्यवस्था किस्म के होली नहीं मनाएगा, होली के बाद हम लोग होली मनाएंगे, हम जनता के लिए हैं, जनता की होली आनंद से कट जाए फिर हमारी होली होगी। आप सबों को प्रणाम, सारे पुलिसकर्मियों को प्रणाम, बिहार के नौजवानों को मेरा प्यार भरा सलाम। होली को ऐतिहासिक बनाइए, पूरी तरह से घटना मुक्त बनाइए, कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप सबों को मेरा प्रणाम।